पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अपर नगर आयुक्त को जान से मारने की धमकी देने वाले आजम खां के करीबी सपा के पूर्व प्रदेश सचिव यूसुफ मलिक ने एक सप्ताह बाद सोमवार को रामपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके खिलाफ सिविल लाइन्स थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, साथ ही पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस की कई टीमें अलग अलग जिलों में उसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी, लेकिन वो पुलिस को चकमा देते हुए रामपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया। आरोपी ने पुराने मुकदमे में जमानत को खारिज कराने के बाद सरेंडर किया है। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं सिविल लाइन्स थाना पुलिस ने आरोपी सपा नेता के भाई यूनुस मलिक को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीते 26 मार्च की दोपहर कटघर थाना क्षेत्र में जमाल हसन द्वारा 23 लाख रुपए का बकाया टैक्स जमा नहीं करने पर नगर निगम की टीम ने मकान को सील कर दिया था। दोपहर में सपा नेता यूसुफ मलिक ने नगर निगम अधिकारियों को सूचना दी कि मकान में महिला बंद है। सूचना के बाद अपर नगर आयुक्त प्रथम, सहायक नगर आयुक्त द्वितीय टीम के साथ वहां पहुंचे। इस दौरान दरवाजे की सील टूटी मिली। सपा नेता यूसुफ मलिक ने फोन पर जान से मारने की धमकी भी दी, कहा कि गैंगस्टर के मामले में जेल जा चुका हूं, आजम खां का दाहिना हाथ हूं, माँ का दूध पिया हो तो कार्यालय आओ, मैं तेरे सरकारी आवास पर सील लगाने आ रहा हूं, गुंडागर्दी क्या होती है मैं बताऊंगा। इस मामले में सिविल लाइन्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं कटघर थाना पुलिस ने दामाद बेटी के साथ ही ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कटघर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद सपा नेता के दामाद दानियाल को भी जेल भेज दिया। जी, मैंने सरेंडर कर दिया। 307 का एक मामला था, आलियागंज का जी, पुराना मामला था जी, उसमें मैंने सरेंडर किया। वारंट हो चुके थे मेरे NBW। मुरादाबाद का एक मामला है, झूठा फर्जी केस है अधिकारी को हड़काने का, जबकि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, उन्होंने ही मेरे साथ बदतमीजी की। अब क्योंकि सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, कलम उनकी है, सब कुछ उनका है, चाहे जो लिख जाए, सच को झूठ लिखे तो मालिक, झूठ को सच लिखे तो मालिक। हम तो अल्लाह ही अल्लाह है, अभी तो सुनेगा हमारी भी ऊपर वाला। बेकसूर हूँ और अपने ऊपर वाले के ऊपर छोड़ता हूँ सब फैसले। नसीब में जितना जेल काटना होगा काटू। मामला 2019 का है, क्राइम नंबर है इसका 421/2019, धारा है 147, 342, 307, 504, 506। ये किसानों से संबंधित जो जमीन के मामले थे, उसमें एक किसान की तरफ से इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी धमकाने की, जानलेवा हमले की। ऐसा कोई मामला था नहीं, लेकिन वो फर्जी FIR दर्ज कराई गई थी, वही मामला चल रहा था। पहले से ऑनरेबल हाईकोर्ट से इंट्रीम बेल पर थे, लेकिन अब चार्जशीट आ गई है, इसलिए इसमें संदेह। थाना अजीम नगर का मामला था जी, थाना अजीम नगर का मामला। मुरादाबाद में 25,000 के इनामी हैं। मुरादाबाद में 353 का एक केस अभी पिछले दिनों 10-15 दिन पहले दर्ज हुआ है, उसी में बहुत ज़्यादा दबाव बना रहा था वहाँ पर पुलिस प्रशासन, और गलत तरीके से इनाम घोषित किया है। कोई इतना बड़ा मामला नहीं है वो भी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है 353 दो साल तक की सजा के मामले होते हैं, लेकिन क्योंकि मामला पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल जब मामला कोई भी होता है तो हाईलाइट होता है, जब मामला हाईलाइट होता तो इनाम ये वो सब, ये तो सब होता है, क्रिया का एक हिस्सा है। ये अजीम नगर वाला मामला कब का है? 2019 का। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।